सो वेलकम। जैसे प्रॉमिस किया था कि लर्न एंड अर्न, तो वी आर रेडी विद आवर फर्स्ट डीएनए डेली न्यूमेरिकल अभ्यास। तो जैसे प्रॉमिस किया था कि पहले टीच करेंगे और फिर बाद में एंड में क्वेश्चन पूछेंगे, या बीच में कभी भी पूछ लेंगे क्वेश्चन। एक इफ यू आर एबल टू रिप्लाई सबसे पहले राइट, तो आई विल पेटीएम यू ₹100। दिस इज जस्ट अवार्ड, ये एक अवार्ड है बस, है ना, इट्स नॉट समथिंग एल्स। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्या, फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, चाहे वो नीट का एग्जाम है, चाहे वो IIT एग्जाम है, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम है। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन मेनली। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, देन इज लिमिटिंग, एंड थर्ड इज काइनेटिक। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देन द ग्राफ इज लाइक दिस। यहां से O से लेके A तक क्या है, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतनी फ्रिक्शन ज्यादा हो रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान बॉडी जो है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ड्यूरिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी वॉन्ट मूव। You apply 1 Newton force, static friction is 1 Newton. You apply 2 Newton, it's a 2 Newton. 10 Newton, it's 10 Newton. Static friction is what? It's a self-adjusting friction. It adjusts its value according to force applied. Body remain at rest. Then it's what? Limiting friction. At limiting friction, what is limiting friction? Body is at the verge of motion. It is the highest value of static friction. Body बस चल पड़ी है, it's ready to move. And once body start moving, even you decrease your force applied, body keep on moving, and that is called kinetic friction. In kinetic friction, body move with uniform speed. When body move with uniform speed, it's what? Kinetic friction. The first is what? Static friction. Then is limiting friction. And the third is what? Kinetic friction. In static friction, body does not move. Limiting friction is the highest value of static friction. And kinetic friction, body move with the uniform speed. Formula for limiting friction and formula for kinetic friction is mu r. It's like if there is a body of mass 2 kg and say kinetic friction is 0.3, you apply a pull. You apply a pull and pull required to move with uniform speed. So, kitna pull chahiye? That is what? Kyunki friction jitni kitna pull chahiye, jitni friction hai. उतना ही चाहिए, इट्स व्हाट म्यू के इनटू आर। और आर क्या है? आर है नॉर्मल डायरेक्शन, क्या है वो है एम जी।
तो कितना हो गया ये म्यू के कितना है 0.3, एम जी कितना है 2g, देन आंसर इज व्हाट 0.6g. इट इज देयर. अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें, आपको फाइंड करना हो पुल रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो निकाल लिया आपने. देन इफ द क्वेश्चन इज पुल रिक्वायर्ड टू मूव विद एक्सेलेरेशन 2 m/s², तो अब कितना आंसर आ जाएगा? इट्स व्हाट, देखो इसी क्वेश्चन में ही ये आपका पुल है और ये आपका फ्रिक्शन, ये रहा वेट और ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन. अब बॉडी आपकी मूव कर रही है इस साइड पे विद एक्सेलेरेशन. सो अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो पुल कितना होता? एम ए न्यूटन सेकंड लॉ. अब फ्रिक्शन है तो पुल कितना चाहिए? एम ए प्लस म्यू आर. आप सारी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × a = 2, और ये आपने अभी निकाला ही है 0.6, देन इट्स व्हाट 0.6g, इट्स 4 + 6 10 N. मीन सेम क्वेश्चन यू कैन मोल्ड. थोड़ा और देखते हैं, इंक्लाइंड प्लेन. अच्छा अभी तो आप एंजॉय करो टीचिंग को. दैट द वेट एम जी, इट्स अ पुल हियर, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट आर. It has two component, mg cos theta and mg sin theta. अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पुल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, ताकि बॉडी नीचे ना जाए. Pull required to stop the body. It's what? अच्छा अगर body की tendency कहाँ है? नीचे जाने की है ना, तो friction कहाँ होगी? Okay, first pull required to stop the body. अगर friction नहीं है, in absence of friction. तो कितनी हो जाएगी पुल? एम जी साइन थीटा. क्लियर? अब मान लेते हैं फ्रिक्शन है, पुल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, बट नाउ द फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर. अच्छा अगर फ्रिक्शन है तो आपको कम पुल चाहिए ज्यादा पुल चाहिए? सोचो जरा, अगर फ्रिक्शन है तो पुल क्या चाहिए, कम के ज्यादा? पुल इस तरफ लग रहा है, एम जी सेंग थीटा इधर लग रहा है, तो बॉडी की टेंडेंसी कहाँ है? नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस साइड पे लगेगा. क्लियर? तो अब कितना हो जाएगा पुल इज इक्वल टू पुल प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. तो पुल कितना चाहिए इस टाइम? अब पहले वाले केस से पुल हमें कम चाहिए, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो बॉडी को नीचे आने से रोक रहा है. सो यू नीड लेस पुल इन दिस केस. देन फर्दर सी केस, पुल रिक्वायर्ड
to move body upward with uniform speed. अब बताओ, you want to move the body upward with uniform speed. अब कितना चाहिए pull? Same. That pull will be equal to mg sin theta minus f. Same. It's very interesting ना. रोकने के लिए भी उतना ही pull चाहिए और motion के लिए भी उतना ही चाहिए. Why? Can you give the right answer? क्यों ऐसा है? सोचो जरा. How is it possible? रोकने के लिए भी और motion के लिए भी same force चाहिए. उसका reason क्या है? Reason is very simple. A body in rest will try to remain in rest, and body in motion will try to remain in motion. Newton's first law. हम इस केस में ये सपोज कर रहे हैं कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ चुकी है, तो इसलिए हमें कोई भी until and unless some external force is applied, तो इसलिए हमें कोई भी external force नहीं चाहिए. बॉडी यहां पर सपोज कर रहे हैं. अच्छा, एक केस और देखते हैं. पुल रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. अब आप ऊपर की तरफ चाहिए आपको विद एक्सेलेरेशन ए, तो अब आपके पास चाहिए होगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ प्लस एम ए. क्लियर? तो देर आर सो मेनी केसेस. जो हम क्वेश्चन जो भी अभी टीच कर रहे हैं, आज इस क्विज में हम जो टीच कर रहे हैं, वो कल की क्विज में भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, आज की क्विज में भी आ सकता है क्वेश्चन. तो जो ये पूरी की पूरी सीरीज है वो लिंक रहेगी जब तक फ्रिक्शनी क्वेश्चन चल रहे हैं. राइट? आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. इट्स इनफ. इतना आप डाइजेस्ट करो, इट्स इनफ. कैसे? Pull required to stop the body is what? Mg sin theta. Pull required to stop the body when friction is there. Then pull plus F is equal to mg sin theta. Then pull required to move the body upward is what? Pull is equal to mg sin theta minus F. Then further, pull required to move the body with acceleration, तो उसमें m a add हो गया. Like this. बिल्कुल ऐसे ही फिर further हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि पुल किसी एंगल पे चला जाए. मान लो पुल किसी एंगल पे चला गया तो क्या होगा? तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे. क्या हो जाएगा? इस पी के दो कंपोनेंट, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, तो सबसे पहले आर ही बदल जाएगा और आर के चेंज होने से सब आंसर आपके चेंज हो जाएंगे, सब आंसर चेंज हो जाएंगे. तो वो भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए. राइट? यस, दिस इज द क्विज ऑफ टुडे. फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 व्हेन बॉडी डज नॉट मूव विद द एप्लीकेशन ऑफ 4 newton. There is a pull of 4 newton and body does not move. You have even today I am giving you option also. It's a 15 newton, 1.5 newton, 4 newton and none. So be ready to reply answer. Fast. Jaldi sakte de do fatafat answer. So I wish you all the best. And after giving your answer, share with your friends also. And don't forget to like. जितने मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगे उतना कंपटीशन हार्ड होगा. और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्विज? पर्पस इज नॉट अर्निंग मनी, पर्पस इज टू इम्प्रूव फिजिक्स. सो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो.